ओम सूर्याय नमः। राधे राधे। आइए सुनते हैं सूर्य देव की व्रत कथा। पढ़ने से या सुनने से धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्य देव की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्य देव की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है। साथ ही शत्रुओं से सुरक्षा भी होती है। सूर्य देव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इनकी व्रत कथा सुनते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आइए सुनते हैं सूर्य देव की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्य देव से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिससे वह स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी, साथ ही रविवार का व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्यदेव को भोग लगाती थी। सूर्यदेव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वो धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो वो उसे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन से गोबर लाती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बधी थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया के आंगन लेपने के लिए गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बढ़ी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर ज्यादा जलने लगी, तो वह उससे और अधिक जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर को पास में रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। एक कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले की ही तरह सूर्य देव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्यदेव को परेशन की चालाकी का पता चला, तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा, तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ दिन में ही बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देख पड़ोसन और जलने लगी। पड़ोसन उसने अपने पति को समझा बुझा कर नगर के राजा के पास भेजा। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्य को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्यदेव राजा के सपने में आए और उन्होंने कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय वह बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने ने राजा को बुरी तरह हटा दिया।
इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वह राजा पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरी राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करे। सूर्य देव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।